कोटा में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मकबरा, केथुनीपोल, टिपरा, पाटनपोल इलाके अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, तो वहीं इन इलाकों में जाने वाले मुख्य मार्गों पर भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि कोई अनावश्यक व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। ऐसे में इन इलाकों में किस तरह की व्यवस्था है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेंद्र महावन ने। कोटा में कोरोना संक्रमण ने लगातार पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो पुलिस के जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में आज केथुनीपोल थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल भी इसकी चपेट में आए, जो कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद केथुनीपोल थाने में जो पुलिस के जवान है उनको यहाँ पे क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी यहाँ पे जाँच की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही जो लोग हैं, नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पे सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से एक केथुनीपोल थाने में जितने भी जवान थे उनकी यहाँ पे सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है, तो उनको यहाँ पर क्वारंटाइन आइसोलेट करने की यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद है, जिनकी यहाँ पे स्क्रीनिंग भी हो रही है। जो DYSP है राम कल्याण मीणा और जो केथुनीपोल थाने के जो CI है संदीप विश्व जी, वो भी यहाँ पे मौजूद है और उनकी देखरेख में पूरा का पूरा जो भी काम हो रहे हैं वो पूरी तरीके से हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद है और लगातार लोगों को यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है, उनकी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। जो DYSP है राम कल्याण मीणा जी, उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्था उन्होंने यहाँ पे कर रखी है और किस तरह से तैयारी पुलिस के जवान की रहेगी। सर, एक पुलिस का जवान यहाँ पे कोरोना संक्रमण आया था, उसके बाद लगातार पुलिस विभाग लगातार जो थाने में जो पुलिस कांस्टेबल है या अधिकारी उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, तो आज किस तरह की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से है? केथुनीपोल का एक जवान जो है संक्रमित हुआ है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं, बाकी जो थाने का जाता है उसको होम क्वारंटीन करवा रहे हैं, क्वारंटीन में भिजवाया जा रहा है। सर, पूरी तैयारी आप लोगों की तरफ से यहाँ पे की गई है? जो उच्च अधिकारी वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अब कोई पुलिस का जवान संक्रमित ना हो, तो आप लोगों की तरफ से यहाँ पे व्यवस्था की गई है? कितने पुलिस का स्टाफ है केथुनीपोल थाने में, किस तरह से उनको जाँच की जाएगी? जो भी जाप्ता थाने पे लगा हुआ था उसके सैंपल लिवाए गए हैं और उनको बाकी जो जाप्ता है बिल्डिंग में लगा हुआ है, सीसी पे लगा हुआ है, उनको भी कोरोना वायरस से बचाव की जो सावधानी है उनके प्रति अवेयर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती जरूर पुलिस विभाग के लिए, लेकिन लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार यहाँ पे पूरी व्यवस्था की जा रही है, ताकि पुलिस के जवानों को यहाँ पे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर लगातार सैनिटाइज का भी काम किया जा रहा है, पूरे केथुनीपोल थाने को सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। तो एक बड़ी चुनौती जरूर सामने आई है, लेकिन उसका डटकर सामना यहाँ पे किया जा रहा है। लोगों को भी यहाँ पे आश्वस्त किया जा रहा है और लोगों को भी यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आप लोग घरों से बाहर ना निकले, बिल्कुल घरों में रहें, आपकी जो भी व्यवस्था जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा। तो एक तरह से जिस तरह से पुलिस विभाग के जो जवान है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो कोरोना संक्रमण की चपेट में भविष्य में ना आए, इसके लिए भी पुलिस विभाग लगातार सचेत है। और केथुनीपोल थाना मकबरा थाने में पहले ही पुलिस के जवान जो थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की राहत भरी खबर ये आई है कि मकबरा थाने में 70 जो पुलिस के जवान थे उनमें से 70 लोगों की जो है नेगेटिव भी आई है, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है और एक राहत भी प्रशासन को जरूर मिल रही है। बहरहाल, अब सवाल ये उठता है कि आगे कोई संक्रमित ना हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से किस तरह के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं? सहयोगी राजन भारद्वाज, कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेंद्र महावर, M1 TV कोटा।